आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है। हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना है। उसके बाद आपको जिस भी किसी रेशो में वीडियो बनानी है वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे से आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे से कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद इस फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले में चले जाना और सभी फ़ोटोज़ को आपको एडजस्ट कर लेना है और इज इक्वल टू के साइन पर क्लिक कर देनी है कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद इन सभी फ़ोटोज़ की आपको विग्निटी ऑन कर देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इन फोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक वाले इफेक्ट्स मिल जाएगी। क्लिप ग्राफिक इफेक्ट्स में आपको स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए मैक्स ड्राइव वाले इफेक्ट्स मिल जाएगी। ये वाली जो इफेक्ट्स है वो लगा देनी है। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देनी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरे फोटो पर भी क्लिक कर देनी है। क्लिप ग्राफिक पर चले जाना है और यहाँ पर से आपको मैक्स ड्राइव में यहाँ पर सेकेंड वाली इफेक्ट लगा देनी है। इसी तरीके से आपको हर फोटो में फर्स्ट वाली इफेक्ट लगा देनी है, पहले फोटो में, उसके बाद वाले फोटो में सेकंड वाली इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो फोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाएगी। ट्रांजिशन इफेक्ट्स में आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे नीचे चले जाना और यहाँ पर देखिए आपको मोशन कट कर एक इफेक्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेट मोड में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये मोशन कट वाले इफेक्ट्स ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये जो थर्ड वाली इफेक्ट्स दिखा रही है वो वाली इफेक्ट्स लगा देनी है। ठीक है, उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा और इसकी रेशो रख देनी है यहाँ पे देखिए 1.5। इसी तरीके से आपको जो सभी फ़ोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाएगी। ट्रांजिशन इफेक्ट्स में यहाँ पे मोशन कट में आपको ये थर्ड वाली इफेक्ट्स लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो सभी फ़ोटोज़ है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे प्ले करके देखते हैं तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे इसे आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग में चले जाना और इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, ये वाली जो आपकी वीडियो है उसको यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आपको प्लस के साइन में चले जाना है और यहाँ पे से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे चले जाना और पहले तो आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड ले लेनी है, फिर इसे एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है।
उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली फ़ोटो ले लेनी है, फिर इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की मिल जाएगा, इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। फिर इसे भी सेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। उसके बाद आपको सिंपली लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, और अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वाली वीडियो ले लेनी है, इसे थोड़ा छोटा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे चले जाना है, इसे सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर क्रोमा की पे चले जाना है और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है कलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये वाली वीडियो को आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर लेयर में चले जाना है और यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट पे चले जाना और यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है। उसके बाद ओके कर देनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कलर एडजस्टमेंट में चले जाना और इसे रेड कलर कर लेना है। उसके बाद ए में चले जाना है। ए में जाने के बाद यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में चले जाना है, अदर्स में। उसके बाद यहाँ पे से उनकी हैंड राइटिंग चेंज कर लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आपको दूसरी हैंड राइटिंग रखनी है तो यहाँ पर से आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर इस लेटर पर क्लिक कर देनी है, इस लेटर पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ रख देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसे भी एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से देखिए आपको ये वाली ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाना और इसे मल्टीप्लाई कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर थ्री डॉट्स पर चले जाना है, इसकी डुप्लीकेट बना लेनी। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसे इस तरीके से रोटेट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड पे रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने वीडियो का। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, ओवरले में चले जाना है। ओवरले में जाने के यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बटरफ्लाइज वाली इफेक्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेटमो में जाके इसे ले सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये बटरफ्लाई को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इसे भी एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में, तो यहाँ पर देखिए। उसके बाद आपको ऑडियो पे चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पे से आपको बर्थडे वाली सॉन्ग ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर देनी है, फिर यहाँ पे टिक कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो बनकर तैयार हो चुकी है, उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।